देखिए, अलग अलग लोगों के व्यक्तिगत बयानों पर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की टिप्पणी की आवश्यकता है। लोग अपने अपने विचार, अपने अपने भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं, इस पर कोई टिप्पणी की जाए मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने बोला कि सर ये षड्यंत्र था, तभी दो दिन पहले उनके यहाँ पे आए करके छापे मारे गए। नहीं, मैंने कहा ना कि इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। लोगों की अपनी अपनी भावना हो सकती है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, और इस तरह के व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों पर मुझे लगता है कोई टिप्पणी की आवश्यकता। सर, MNS के राज ठाकरे के बीच में थोड़ा मेलजोल बढ़ रहा है, लगता है बीजेपी को अगर उनका कुछ बढ़ता है तो आपको फायदा मिलेगा? देखिए, अच्छा है कि विपक्ष के वोट कम से कम बटें, ये बहुत ज़रूरी है। और जब तक कांग्रेस को अभी तक जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो इस बात का हुआ है कि विपक्ष के वोट बिखरे हैं, टकराव और बिखराव दोनों विपक्ष के वोटों में रहा है, जिसका कि लाभ शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी नाकारी होने के बावजूद, नॉन परफॉर्मिंग होने के बावजूद लेती रही है। इसलिए विपक्ष एकजुट हो और जो इस तरह की जहाँ पर परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर एकजुटता आए तो निश्चित तौर से वो शुभ होगा। सर, इंडोनेशिया से अनिल बस्तावड़े को डिपोर्ट किया गया है, ये लगता है कि कोयला घोटाले जो हवाला मामला था कुछ सॉल्व कर पाएगी कांग्रेस को? मुझे लगता है कोयले घोटाले के मामले में सरकार बहुत कैजुअल और बहुत ही हल्का अप्रोच अपना रही है, और कहीं ना कहीं कोयले घोटाले, कोयले की कालिक जो कांग्रेस के चेहरे पर मुली पुती हुई है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कोयले की कालिक से चौतरफा घिरी हुई है, उसमें वो एक तरह से इस पर हल्का और कमज़ोर एटीट्यूड अपना करके या तो बचाती हुई दिखी लोगों को और या फिर उसको जो है वो ठंडे बस्ते में डालती हुई। सर, एक पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है शाहिद अजीज, उन्होंने कल खुलासा किया है कि जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान का रवैया दो मुहा रहा था। दो मुहा तो था ही। देखिए, उन्होंने घुसपैठ की अपने सोल्जर्स के माध्यम से, उनको ढेर किया, हमारी फौजों ने मार भगाया यहाँ से, उसके बाद उन्होंने उनकी लाश को लेने से इनकार कर दिया, कहा ये हमारे सिपाही है ही नहीं है, ये जो है वो मुजाहिदीन है। और पूरे के पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कारगिल की घटनाक्रम में पाकिस्तान जो है वो पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ। सर, तेलंगाना इशू पे क्या कहना चाहेंगे? आज कई नेता मिलने वाले हैं सोनिया गांधी से, लेकिन अपॉइंटमेंट तक उन्हें नहीं दिया गया। देखिए, तेलंगाना के तेलंगाना किया है, और साथ ही साथ जो तेलंगाना के लोगों का की भावनाएं थी उस भावनाओं पर हमला किया है, ये बहुत बड़ा पाप है। और अब सरकार इनकी जाने का वक्त आ गया है, उसके बावजूद भी ये किसी भी तरह से किसी भी रूप में अपनी ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि बेईमान राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि तेलंगाना ना बनाना, राज्य का दर्जा तेलंगाना को ना देना, कांग्रेस की तेलंगाना के लोगों के साथ धोखाधड़ी भी है, विश्वासघात भी है, और इसका लोग जो है वो सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब करेंगे। सर, कर्नाटक में जिस तरह का क्राइसिस चल रहा है, देखिए कर्नाटक में किसी तरह का क्राइसिस नहीं है, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक तरह से चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। अब तो कर्नाटक की जनता के अदालत में सारा का सारा फैसला चला गया है, और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि कर्नाटक की जनता दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देगी और दोबारा हम सरकार बनाएंगे। तो कर्नाटक में अगले महीने जो बजट पेश होने लगता है, बीजेपी सरकार पेश कर पाएगी उसको? हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सरकार हमारी जो है वो पूरा कार्यकाल करे, और हमारी पूरा विश्वास है कि ये कार्यकाल पूरा करेगी। सर, लोकपाल के लिए सोनिया गांधी ने अन्ना हजारे के लेटर का रिप्लाई भी दिया है, और कल लोकपाल पर बैठक भी होने जा रही है। सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया कि सेशन में लोकपाल को लेकर आएंगे। देखिए, पिछला सत्र था, उसमें भी हमने मांग की थी कि लोकपाल को डिस्कस होना चाहिए और उसको जो है वो कानून का रूप देना चाहिए। इससे पहले के भी सत्र में हमने मांग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व में चल रही UPA की सरकार लोकपाल को ठंडे बस्ते में डालने पे लगी रही, और एक के बाद एक और मुद्दों पर तो वो ज़्यादा सक्रिय दिखी, लेकिन लोकपाल जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी कि लोग मांग कर रहे हैं, उसको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हटाती हुई दिखी, उसको कमज़ोर करती हुई दिखी। हमारी मांग होगी कि बिल्कुल लोकपाल जो है वो कानून बनना चाहिए। आपको लगता है कि सेशन में आ पाएगा, बजट सेशन में आना चाहिए?
ऑल पार्टी मीटिंग में भी हम इस बारे में बात करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी उसमें भी बात होगी, और बिल्कुल आना चाहिए लोकपाल बिल को, बिल्कुल भी किसी भी तरह से अब डिले नहीं होना चाहिए। सर पटना में अन्ना आज से फिर जनतांत्रिक रैली कर रहे हैं, क्या लगता है सर सरकार हिल जाएगी इस तरह पिछले? करने दीजिए भाई, बहुत लोग हैं जो जनतांत्रिक रैलियाँ करते हैं, लोकतांत्रिक रैलियाँ करते हैं, तो इस तरह के तंत्र मंत्र की रैलियों में करने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र है। सर ज्वेनल की जो एज को लेकर जिस तरह की भावना हो रही है, तो आपको लगता है कि एज कम करनी चाहिए 16 साल? कोई फर्क नहीं, दिल्ली गैंगरेप में जो सबसे ज्यादा जिसकी एनरोलमेंट थी वो लड़का ना, देखिए कानूनी प्रावधान इस बारे में ऐसे जघन्य अपराधों के बारे में बहुत कड़े होने चाहिए, ये बात हम लोगों ने शुरू से कही। हम लोगों ने तो विशेष सत्र की बात भी करी, ऑल पार्टी मीटिंग की बात करी, लेकिन सरकार उस पर राजी नहीं हुई, और जिसका नतीजा ये है कि जो अभी हमारे कानूनी प्रावधान है उसी फ्रेमवर्क में कोई भी अदालत या कोई भी संस्था काम करेगी, और जब उसी फ्रेमवर्क में काम करेगी तो निश्चित तौर से ऐसे कानूनों का सुखो सुरक्षा कवच बना करके कुछ लोग बच सकते हैं। इसलिए कानूनी प्रावधान कड़े होने चाहिए, और अभी जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, जो अनुभव आए हैं, उन अनुभवों को देखते हुए कानून बनने चाहिए।